राधे राधे दोस्तों, आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा बिना कद्दूकस किए। इसे देखिए, हमने 1 किलो गाजर लिया था, इसे भून लिए हैं। इसे हम इसको एक में 3 पीस काटेंगे। एक गाजर में हमने 3 से 4 पीस कर लिए हैं। अब इसे हम कुकर में चढ़ाएंगे। सभी गाजर को हम कुकर में डाल देंगे। हमने यहाँ पे एक छोटा गिलास दूध लिए हैं, आप चाहें इसमें पानी भी डाल सकते हैं। इसे डालेंगे, गैस को ऑन करेंगे। ढक्कन लगाएंगे इसका, 3 सीटी तक इसको हम आने देंगे मीडियम आंच। देखिए इसका पेपर निकल गया है, इसे हम देखते हैं। चम्मच की मदद से गल गया। देखिए इसे हम मैश करेंगे, इसे हम इस तरह मैश करेंगे। देखिए हम इसे मैश कर लिए हैं। अगर इसमें पानी है तो थोड़ा उसको जला लीजिएगा। देखिए इसे हम गैस पे चढ़ाएंगे, इसे हम मैश कर लेंगे। गैस को ऑन करेंगे, इसको चढ़ाएंगे। इसमें घी डालेंगे 2 बड़े चम्मच। मिक्स करेंगे। इसमें हमने घी डाली थी, वो थोड़ा सा भून गया। फ्लेवर डालेंगे, देखिए किशमिश, काजू, बादाम, गरी बुरादा, सभी चीजों को डालेंगे। यहाँ पे हमने इलायची लिए हैं, इसे भी डालेंगे। सभी चीजों को मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमने खोए लिए हैं 200 ग्राम का, इसे भी इसमें डालेंगे। सभी चीजों को मिक्स करके थोड़ी टाइम के लिए पकाएंगे। इसमें हम चीनी डालेंगे। यहाँ पे हमने चीनी लिए है, अपने टेस्ट के अनुसार चीनी भी डाल दीजिएगा। चीनी को मिक्स करेंगे, इसे थोड़ी देर तक पकाएंगे। देखिए यहाँ पे सभी चीज मिक्स हो गए हैं, सूख भी गया पानी हमारा। अब इसे हम उतारेंगे, प्लेट में लगाएंगे। देखिए हमने आज कुकर में बनाया है बिना कद्दूकस किए, फिर भी हलवा तवा तैयार है गाजर का। आप सभी बनाइए और बताइए कैसा बना है। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।